में करारी हार मिलने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ले लिया है फैसला कि इस बार वो इस्तीफा देकर ही रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष के पद को लेकर जहां चुनावी लड़ाई लगातार गर्माई जा रही है, वहीं अब अपने ही नेताओं के बीच खटपट को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। तमाम नेताओं के इस्तीफे को लेकर नए विवाद सामने आए। जहाँ बात करें अगर मध्य प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ की, या बात करें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, बात करें कांग्रेस के स्टार प्रचारक पंजाब के नेता नवजोत सिंह सिद्धू की, तो इन सभी को लेकर तमाम अपडेट्स आई। अजय राय तक ने इस्तीफा की बात कर दी। चुनावी हार को अपनी जिम्मेदारी मानते हुए इन्होंने इस्तीफे को लेकर बात की है। लेकिन अब अगर बात की जाए राहुल गांधी के इस्तीफे को लेकर सामने आए नए फैसले की तरफ, तो आज एक बार फिर से कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हो रही है जिसमें नेता चुने जाएंगे। जी हाँ, कांग्रेस संसदीय दल के लिए वो नेता चुने जाएंगे, जिसे लेकर अब बैठक में देखना होगा कि क्या फैसला होता है। जी हाँ, आखिरी बार 25 मई की तारीख को संसदीय बैठक में, जी हाँ, CWC की मीटिंग में राहुल गांधी नजर आए थे। इसके बाद उनकी जो दूसरी बार मौजूदगी होगी अपने कार्यकर्ताओं के बीच, अपने सांसदों के बीच, उस मीटिंग में राहुल गांधी फिर नजर आएंगे। और इस बीच राहुल गांधी किसी से भी मुलाकात करने से बचते ही नजर आए हैं, खास तौर पर उन लोगों से जिनकी नाराजगी खास तौर पर हारे हुए नेताओं से थी। जी हाँ, उन राज्यों के नेताओं से जहां पर कांग्रेस का सूपड़ा साफ हुआ, भारी बहुमत BJP को मिली। राजस्थान की बात करें, अब बात करें मध्य प्रदेश की, ये तो सभी जानते हैं चिदम्बरम से भी नाराजगी बरकरार रखने वाले राहुल गांधी ने खास तौर पर कमलनाथ और अशोक गहलोत को टारगेट किया था, और उन्होंने खुलकर कह दिया था बेटों को तवज्जो देने के चक्कर में ही कांग्रेस को तवज्जो नहीं दिया गया, पार्टी को तवज्जो नहीं दिया गया, और जो मुद्दा उन्होंने उठाए उन मुद्दों को आगे बढ़ाने के बजाय अपने बेटों के पक्ष में ही उन्हें पद दिलाने की कोशिश में नाकामी हासिल की है कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने। इसी नाराजगी को जाहिर करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के लिए राहुल गांधी तैयार हो गए, और उनका अब तक यही मानना है कि वो इस्तीफा देकर रहेंगे। जी हाँ, एक महीने का टाइम दिया उन्होंने कांग्रेस नेताओं को, कहा है कि अगले उत्तराधिकारी को चुन लिया जाए, क्योंकि एक महीने के बाद वो जिम्मेदारी नहीं संभालने वाले हैं। वहीं आपको बताते चले कि प्रियंका गांधी, उनकी बहन, कांग्रेस महासचिव ने उन्हें समझाया था कितनी जल्दी फैसला ना लें, वरना ये BJP की जाल में फंसने के बराबर होगा। अब जो नई अपडेट आई है उसकी अगर बात की जाए तो संसदीय दल के बैठक को लेकर पूरी अपडेट आई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं तृप्ति आपको बता दूं, आज संसदीय दल की बैठक में राहुल गांधी एक बार फिर से अपने विचार को ला सकते हैं सामने, और जो नेता, दिग्गज नेता खास तौर पर उन्हें मनाने की कोशिश में जुटे हैं, उन्हें जो नाकामी मिली है उनकी एक और कोशिश देखने को मिल सकती है संसदीय दल के बैठक में, जो कि संसद के सेंट्रल हॉल में होने वाली है, जहाँ पर मौजूद लोकसभा के नवनिर्वाचन लोकसभा चुनावी जो सांसद होंगे वो भी होंगे, और साथ में शामिल होंगे राज्यसभा के सांसद भी। आपको बताना चाहेंगे 52 सांसद होंगे इस बैठक में शामिल, और राहुल गांधी इस अपने अध्यक्ष के पद के साथ साथ बात करने वाले हैं। यहाँ पर संसद के नेताओं को लेकर कौन बनेगा नेता, इस पर भी फैसला आएगा। तो हम लौटेंगे आपके बीच फिर से एक बार फिर से कांग्रेस नेता को लेकर क्या नया फैसला है, कौन होगा जो अब ये जिम्मेदारी को संभालेगा, और राहुल गांधी क्या दिग्गज नेताओं की बात मानने वाले हैं, क्या कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल गांधी को इस्तीफा देने से रोक पाएंगी, क्या भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की कोशिशें कामयाब होने वाली हैं, क्या होगा फैसला UPA की चेयरपर्सन सोनिया गांधी का, ये भी सामने आएगा फैसला, इस पर भी हम करेंगे बात। लेकिन फिलहाल के लिए आपसे लेते हैं इजाजत, लौटेंगे जल्द नई खबरों को लेकर। तब तक के लिए आप सभी के बीच एक सवाल, क्या लगता है आपको राहुल गांधी को ले लेना चाहिए इस्तीफा, क्या सच में अब गांधी परिवार के बजाय किसी और दल के नेता को मिलनी चाहिए ये मौका कांग्रेस के अध्यक्ष बनने का, आप अपनी राय भेजें, आपकी ओपिनियन का हमें रहेगा इंतजार। तब तक के लिए